मुंबईमध्ये शरद पवार यांचीही पत्रकार परिषद होते आणि या पत्रकार परिषदेकडे सर्वांचंच लक्ष आहे, कारण शरद पवार या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करतात, कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करतात याकडे लक्ष आहे. या पत्रकार परिषदेला शरद पवार यांच्यासोबतच राष्ट्रवादीचे अन्य नेते जयंत पाटील, नवाब मलिक हे सुद्धा उपस्थित आहेत. उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता जो MLC रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटीज का एक चेहरा के रूप में पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश में जिन्होंने काम किया, उन्होंने निर्णय लिया है कि वे आज यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब की उपस्थिति में पार्टी में प्रवेश करेंगे और उनके साथी जल्द ही पवार साहब का उत्तर प्रदेश का दौरा लगने वाला है और उस दौरे में सारे लोग उनके साथ जो पार्टी प्रवेश करने वाले हैं वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होगा. मैं पवार साहब से विनती करता हूँ कि आप सिराज मेहंदी साहब का पार्टी के अंदर प्रवेश करा सकते हैं. आदरणीय पवार साहब आपको संबोधित करें. साथियों, इंफाल से राज्य का चुनाव अनाउंस हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 3 राज्यों में हिस्सा लेने वाली है. मणिपुर में जो विधानसभा भी समाप्त हुई, इस विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 MLA सिटिंग MLA थे, वहाँ कांग्रेस और NCP मिलकर चुनाव लड़ने की बातवाजी हुई है और हम वहाँ 5 जगह पर चुनाव लड़ने वाले हैं. गोवा कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस इनमें डिस्कशन चालू है. कुछ जगह जहां हम कांग्रेस करना चाहते थे इसकी सूची बाकी दोनों पार्टी को दी है और मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिन में इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे पार्टियों का गठबंधन हुआ है. कल लखनऊ में इन सभी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष के अध्यक्ष KK शर्मा वहाँ जाएंगे और इस जलसे में हिस्सा लेंगे. वहाँ कुछ सीट कॉन्टेस्ट करने की बात हमारी हुई है, मगर कल की पब्लिक मीटिंग होने के बाद ये सब पार्टी मिलकर लखनऊ में शायद सीट का बंटवारा कैसे हुआ ये अनाउंस करेंगे और इसलिए इसके डिटेल्स में अभी आपको याद देने का. साथ साथ अगले हफ्ते में हम कुछ साथियों ने वहाँ जाकर चुनाव की शुरुआत करने की आवश्यकता इस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है और इसमें
मुझे लेकर बाकी सब हम लोग शामिल होने वाले हैं। मैं देखता हूँ और कई साथियों से बात करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। आज मुझे खुशी है कि सिराज मेहंदी साहब जो वहाँ के विधान परिषद में 6 साल सदस्य थे, 30 से 40 सालों से गांधी नेहरू की विचारधारा को लेकर काम करते थे, कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारी स्टेट के उसे उन्होंने संभाली और उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना। इनके लिए कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना, साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का एक आवश्यकता है, ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाली जितनी पार्टीज है उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। और इससे मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने का उन्होंने तय किया, साथ साथ पिछले 40 से ज़्यादा साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए कई जिले में उनके साथी हैं, वो सब साथियों के साथ बातचीत करके ही वो यहाँ आए हैं और वापिस जाने के बाद वहाँ उनके साथियों के साथ वो अनाउंसमेंट करेंगे और मैं भी एक दिन जाकर उनके साथ एक पब्लिक मीटिंग में उनके साथ हिस्सा लूँगा। मैं सिराज मेहंदी साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो कई साथियों से साथ हमने बात की है, इसे मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है, तभी मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि 80% लोग हमारे पास है, खाली 20% लोग हमारे साथ नहीं है। ऐसा मैं जो नींद समझता हूँ, अस्त्र समझता हूँ, 20% लोग कौन हो सकते जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो सभी का प्रतिनिधि हो सकता है। 20% छोड़कर बाकी सब लोग हमारे हैं, इस तरह का बयान देश के और राज्य के माइनॉरिटी को ठेस देने वाला बयान है और इस तरह का सब बयान मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता। मगर इनकी विचारधारा ही ऐसी है और इससे उन्होंने इनके मन में जो बात है वो बात अपने सेशन के माध्यम से की। इससे एक बात सामने छूटी है कि देश में सिक्योर थिंकिंग मजबूत करना हो, एकता को ताकत देना हो, तो इस तरह की एक लिमिटेड आइडियोलॉजी का विचार इनके वजह इन सेक्शन के हितों की रक्षा की भूमिका मुझे लगता है कि देश के लिए समाज के लिए ठीक रहे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इसको ठीक तरह से जवाब देगी और परिवर्तन जाएगी, इसलिए मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। मैं इससे ज़्यादा इस इशू पर कुछ बोलना नहीं चाहता,
बाकी कुछ इश्यू है, अगर आपको कुछ सवाल पूछे हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। ऐसा है कि उत्तर शिक्षा विशेषता गोव्यामध्ये असं काही एकत्रित जाता येईल का या संबंधीची चर्चा झाली आणि चर्चा अजून चालू आहे त्याच्यामध्ये शक्य असेल। मला माहिती नाही काँग्रेस पक्षाचं धोरण काय करेल, मी स्वतः त्या दावा करण्याच्या चर्चेमध्ये नाही। माझ्या पक्षाच्या वतीनं खूप होते शिवसेनेच्या वतीनं संजय राऊत आणि काँग्रेसच्या वतीनं शिक्षक कोण असतील ते यांच्यामध्ये चर्चा करावी अशी चर्चा अशी वाद आमच्यामध्ये झाली आणि ती प्रक्रिया त्यांनी सुरू केलेली आहे। त्याचा फायनल डिसिजन अद्याप झालेली नाही, पण आमची इच्छा मात्र जरूर आहे की गोव्यामध्ये सुद्धा परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे, भाजपचे सरकार हटवण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी असे प्रयत्न जर केले आणि त्याच्यात यश आलं तर मला समाधान आहे। आमची त्यांची चर्चा झाली या प्रश्नावर। आज आम्ही महाराष्ट्रामध्ये एकत्र सरकार चालवतो त्यामुळे त्याच्यात काही वेगळे भरणार नाही। मैंने जो शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है, आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं और आज नौवे से शुरुआत है। अब देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। नहीं, लोग चाहते हैं परिवर्तन करने के लिए। जिस तरह की बात वहाँ कही गई, जिस तरह का भरोसा दिया गया लोगों का, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई है, मन में आई है और इसलिए आप कैसे है वो स्थिति वहाँ है। और बस एक सवाल ऐसा है कि चुनाव आयोग ने कहा था कि डिजिटली प्रचार किया जाए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्या डिजिटल प्रचार का बीजेपी को ज्यादा फायदा उनके संसाधन के मुताबिक मिल सकता है? एक चीज दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य से ही रिलेटेड कि जिस तरह की तोड़फोड़ बीजेपी में दिख रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में कुछ और भी साथी छोड़ कर जा सकते हैं? मौर्य तो नाम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर जातिवाद पर बहुत सारे विषय चलते हैं, इसको किस तरह से दिखते हैं? एक बात सच है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंसमेंट की है, इससे बीजेपी छोड़कर बाकी पोलिटिकल पार्टी को कुछ रिस्ट्रिक्शन आई है। जिन पार्टियों के साथ संसाधन बहुत है, जबरदस्त आर्थिक ताकत है, वो लोग दूसरे माध्यम से कैंपेन कर सकते हैं, मगर ये बात अन्य पोलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं। मगर इसमें मैं कोई ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो सभी का फीजिबल है, मगर आप कैसे वैसे ग्राउंड लेवल सिचुएशन है। जहाँ तक मौर्य जी की बात आपने कही, इससे पहले मैंने बताया कि मौर्य जी ने शुरुआत की है, ये शुरुआत वहाँ रुकेगी नहीं।
अन्य जिलों के कई जबरदस्त नेता लोग पार्टी छोड़कर वहाँ अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आने के लिए तैयार है। इसको हर दिन आपको नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा। और साहब, पंजाब में पंतप्रधानांच्या गाडीच्या सुरक्षेबद्दलचा एक नवा मुद्दा समोर आलेला आहे आणि चार पाचही राज्याच्या निवडणुकांच्या मुद्द्याच्या भोवती आता प्रचार सुरू आहे, त्या सुरक्षेच्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? नेमकी चूक कशी असू शकते आणि पुन्हा कोण झाले? असं आहे की त्याच्याबद्दल अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही आणि त्याचं कारण कार्य सुप्रीम कोर्टानी तिथी इन्क्वायरी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली। सुप्रीम कोर्टानी केंद्र सरकारने नेमलेला प्रतिनिधी असो किंवा पंजाब सरकारने नेमलेला अधिकारी असो, या दोघांनाही बाजूला ठेवून एक स्वतंत्र इंडिपेंडंट चौकशी व्हावी या हेतूनच त्यांनी एक तयारी केलेली आहे। त्याच्यातून वास्तवता ही उदय येईल। प्रधानमंत्र्यांची सिक्युरिटी हा जो इश्यू आहे तो माझ्या मते प्रधानमंत्री फल ही इन्स्टिट्यूशन आहे आणि या इन्स्टिट्यूशन त्याच्या संबंधीची सिक्युरिटी ते केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या सगळ्यांची जबाबदारी आहे आणि त्यामुळं त्याच्यामध्ये खबरदारी घेतलीच पाहिजे, याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही। बात ऐसी है कि जो सिक्योरिटी का इशू हम सीरियस मानते, मैंने कहा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी ये जिम्मेदारी है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए कुछ सेटअप किया तैयार और उसका काम शुरू होने वाला है, तब इस तरह की बयानबाजी वो ठीक नहीं है। इस तरह की बयानबाजी लेकर इसको फुलसिक्राइज करना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इसीलिए ऐसे इंक्वायरी करने के लिए एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी अपॉइंट करके इंक्वायरी की प्रोसेस शुरू करने की बात कही। इससे एक बात अच्छी है कि सच्चाई लोगों के सामने आई। एंटायर यूपी का चुनाव का थ्रस्ट जो बीजेपी का है वो कम्युनल पोलराइजेशन का है। जिस तरह से बातें उनकी, वे जहाँ तक अयोध्या की बात है, कोर्ट का डिसीजन आ गया और कुछ है, किसी का इस बारे में कुछ कहना नहीं। इवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी के साथ हम जो बातें करते हैं, सभी ने इसका स्वीकार किया है। अभी इसके बाद नए नए इश्यूज रेज करने के लिए उनके नेता के माध्यम से जो कोशिश हो रही है, इससे एक बात सीधी साफ होती है कि वो इलेक्शन पोलराइज करके कम्युनल लाइन पर लेना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसे समर्थन नहीं करेगी। सर, एक सवाल है कि जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें पीएम मोदी का फोटो है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं, क्या इस फोटो को हटाया जाना चाहिए? उससे क्या बीजेपी किसी तरह का फायदा मिलेगा? दूसरा एक सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, आप एक वीडियो आज बीजेपी के नेता द्वारा पोस्ट किया गया और कहा गया कि आप सीएम के जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं, किस संवैधानिक अधिकार के तहत काम कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं? जहाँ तक एससी कामगारों के संगठन के लोगों ने मुझे बुलाया और उनके इश्यूज मेरे कान पर डालने की बात की और मैंने पूछा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को, उन्होंने कहा कि हम दोनों ने जाना चाहिए।
इसमें कोई गलती नहीं, बात ऐसी है एक इशू पैदा होता है और मजदूरों की संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी साथियों को बुलाकर इनके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो इसमें शामिल होना, यानी वो सरकार की या चीफ मिनिस्टर के अधिकारी ऊपर कुछ हमला करते हैं या कुछ करते हैं ऐसी बात नहीं है। इतनी छोटी बात कुछ लोगों ने देख के मुझे आश्चर्य लगता है। उत्तर प्रदेश पांचों राज्यों में बंदी है, जवान बंद नहीं रहे। मेरा सवाल गोवा को लेकर पहुंचा, क्योंकि ममता बनर्जी जब मुंबई आई थी तब आपको मिली थी और तब उन्होंने कहा, ममता बनर्जी जब मुंबई आई थी तब आपको मिली थी और तब बात हुई थी कि छोटे छोटे दल एक साथ आए, लेकिन जब गोवा की बात आई तब उन्होंने पहले एनजीपी के साथ अलायंस कर दिया। एनजीपी के हमने इससे पहले भी देखी, कई सारे नेता है जिनके लिंक्स कहीं ना कहीं सनातन से है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने हमसे हमारे लोगों से बात की और एनजी के साथ बात की और बाकी लोगों को साथ लेकर वहाँ चुनाव लड़ने के बारे में उनका डिस्कशन चालू है। जो यहाँ कहा वही इस पर ही अमल उनकी पार्टी वहाँ करती है। लेकिन जिनके लिंक्स सनातन के साथ है, क्या ऐसे पक्ष के साथ आप अलायंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने हमेशा लिबरल साइड किया? नहीं, कोई मैं जानता हूँ उन लोगों को कई सालों से, गोवा की राजनीति अच्छी तरह से चलती है। सनातन निरातन किसी घर का कोई एक आदमी वहाँ कहीं गया होगा, इसलिए उसे पॉलिटिकल पार्टी को हम बैन नहीं करेंगे। Sir, in continuation on Goa, everybody believes that if there has to be a rainbow coalition in Goa, it has to be with the leadership of someone like you. Because at this point, it seems it's very fractured opposition, TNC going one way, Congress not willing to sort of give that many seats. How do you see this rainbow coalition forming in Goa and also in UP that we can become a model for the future? नहीं, बात अच्छी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग जाएंगी है। जहाँ तक मैंने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी सर्विस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लगी है, तो उनका अधिकार है, इस बारे में हम कोई रिएक्ट नहीं करते। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो सोच सकती है, तय कर सकती है कि अपने आगे की नीति क्या है। वही स्थिति गोवा में होगी तो हमें कोई शिकायत नहीं। त्यांच्या ज्ञानाच्या बद्दलचं कौतुक करतो। प्रश्न असा आहे की एखाद्या कामगार संघटनेने मला बोलवलं, आणखी कोणाला बोलवलं, तर लोकशाहीमध्ये त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे का नाही, आणि त्या अधिकाऱ्यांना जर ती चर्चा केली असेल तर त्याच्यात काहीच चुकीचं नाही। मुख्यमंत्री हेच महाराष्ट्राचे निर्णय घेतात, त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती म्हणून छोटो ते प्रत्येक समोर यायला त्यांना मर्यादा होत्या। पण हे जरी असलं तरी परिवहन माणसांनी जी काही चर्चा झाली ती मुख्यमंत्र्यांच्यापर्यंत पोचवली असणार, आणि महत्त्वाचे धोरणात्मक निकाल आजचं हे मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री हे एकत्रित विचारांनीच करतात। आपण मध्यस्थी केल्यानंतर, आपण मध्यस्थी केल्याच्यानंतरही एसटी कर्मचारी स्वभावात ठाम आहेत, विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत, असा तो त्यांचा अधिकार आहे, त्यांचा निर्णय घ्यायचा। त्याच्याबद्दल मी काही म्हणू शकत नाही, पण मला स्वतःला असं वाटतं की विलीनीकरण याचा अर्थ काय, विलीनीकरण याचा अर्थ हे सगळे कर्मचारी शासकीय कर्मचारी म्हणून मानायचे, आणि हे सूत्र मान्य एका ठिकाणी केल्याच्यानंतर हे एका सूत्र सीमित राहणार नाही अशी चर्चा आहे। याचा अंतिम निर्णय माझ्या हातात नाही की सरकार काय करायचं ते करेल। नहीं, सच बताओ तो गोवा में आज जो हुकूमत है बीजेपी की, वो बीजेपी की ओरिजिनल नहीं, वहाँ कांग्रेस की पार्टी के लोग चुनकर आए थे। गोवा की एक फैसिलिटी है कि कभी बदल ना हो तो पूरे लोग जाकर बदल करते हैं।
इस तरह से वहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप आज पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई थी। इनमें से कुछ लोगों ने इस्तीफा दिए होंगे, तो जो गोवा पॉलिटिक्स जिस तरह से होता है इसलिए उसी तरह का वो काम है। जहाँ तक कोरोना का कोविड का इशू जो है, इसमें जिन्हें जो एक्सपर्ट सेक्शन है देश का बाहर, उन्होंने जो सलाह दिया है वो सलाह पूरे पूरे मानना चाहिए। पब्लिक मीटिंग इलेक्शन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, मगर ये इम्पोर्टेंट होने के बावजूद ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसे ठीक तरह से सामना करना है और लोगों को छुटकारा देना है, तो हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन का स्वीकार करना पड़ेगा और हम सब लोग वो संभाल के ही आगे जाना चाहते हैं। मला वाटत नाही की मागच्या निवडणुकांचे निकाल हे बघितले आकडेवारी बघितली तर मला वाटत and many believe that that's going to be a death knell for secret ballot. Your views on specifically that issue, the electoral reforms that are now being pushed through? And now the process of election is practically started. So let this election over and then we'll discuss this subject. Congress. इंटरनेट द्वारे ऍप द्वारे अल्पसंख्याक समाजाच्या महिलांवरच्या आरक्षण संदर्भात अतिशय अवमानकारक अशा पद्धतीचे ऍपच्या संदर्भात माहिती पुढे आली, त्यातल्या एकाला अटकही करण्यात आली। ते ट्रॅड्स नावाचा एक ग्रुप आहे, उच्चवर्णीय दुराभिमान बाळगणाऱ्या तरुणांचा हा ग्रुप आहे आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे मोठं कारस्थान असलं जात आहे। तर या संदर्भात या निवडणुकांमध्ये काय भूमिका राहील? की जो काही एका विशिष्ट वर्गातल्या भगिनींच्या संदर्भात भूमिका मांडण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न केला तो निषेधार्ह आहे। अशा प्रकारची भूमिका घेऊन समस्त वर्गाची वंदनी करण्याच्या संबंधीची भूमिका करणारे जे फोर्सेस आहेत त्या फोर्सेसच्या विरुद्ध जनमत निवडणुकीच्या माध्यमातून एक लोकांना एज्युकेट कर इलेक्शनच्याकडे बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन मतं मागण्याचा असतो, तसं आपली एखादी भूमिका ही मांडण्याच्या संधी त्यासाठी एक अपॉर्च्युनिटी आहे। आणि या पद्धतीनं जे महिला किंवा अल्पसंख्याक यांच्या संदर्भात भूमिका घेतात या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध जन्म तयार करणं, लोकांना एज्युकेट करणं याची काळजी आम्ही घेणार आहोत। आज करना मुश्किल है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पंजाब की स्थिति कांग्रेस के लिए अनुकूल थी, अभी वहाँ कुछ चेंजेस हो गए हैं, शायद इसका असर कहाँ तक होता है और इसका बेनिफिट आप लेती है या कांग्रेस आगे जाती है, यह आज करना मुश्किल है। सर एक सवाल ये है कि हमें ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने साथियों को साथ लेकर वहाँ सरकार बनाएगी। अशा प्रकारचा एकमेकांचा अविश्वास तयार झाला असं सुप्रीम कोर्टाने आज परमवीर केस मध्ये भाष्य केलं।
मला काही फारशी माहिती नाही, मी तुमच्याकडनं सांगितलं. मैंने सीसन देखा नहीं, मुझे देखना होगा. एक और कुछ बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय जनाब शरद पवार साहब का स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ. उनके जैसे बड़े नेतृत्व में तो देश में आज सबसे बड़ा नेतृत्व माना जाता है. उन्होंने हमें स्वीकार किया अपनी पार्टी में और इसका रास्ता बनाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सोनिया दोहन जी का, जो NSY की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वो हमसे संपर्क बनाई रखने में उनसे बातचीत हुई. उसके बाद उन्होंने माननीय शरद पवार जी से बात किया और वो हमें यहाँ लेकर के आई. हमारे बीच में आज मंच पर हमारे यहाँ के फिर सदर NCP के जयंत पाटिल साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े पुराने साथी मलिक नवाब मलिक साहब मौजूद हैं, धीरज शर्मा साहब जो इससे यूथ विंग के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो मौजूद हैं. ये बड़ी खुशी की बात है कि फिर लोग हमको आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी शरद पवार साहब की पार्टी में 2.5 साल काम कर चुका हूँ और मुझे इनका नेतृत्व मिला है. चुनाव भी वहाँ लड़ाया गया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था, जीते नहीं थे लेकिन वोट परसेंटेज हम लोग को अच्छा मिला था. अभी आप लोगों ने UP बारे में बात किया, मैं भी UP बारे में बात करना चाहता हूँ. तर 5 राज्यांपैकी 3 राज्यांमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष निवडणूक लढणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष हा समाजवादी पक्षासोबत निवडणूक लढणार आहे आणि शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष हे लवकरच उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. याशिवाय मणिपूर आणि गोवा या 2 राज्यांमध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी पक्ष निवडणूक लढणार आहे. मात्र गोव्यामध्ये कोणत्या पक्षांसोबत ही निवडणूक होणार, कोणत्या पक्षांसोबत निवडणूक पूर्व आघाडी होईल अद्याप सांगण्यात आलेलं नाही. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.